तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को पहला नंबर क्वेश्चन को हल करने वाले, जिसमें 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम कभी कभी क्रिएट कर देता है 2 नंबर के लिए, इसलिए इसको सीखना बहुत ही आवश्यक होता है, इसको जानना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पहले एक वीडियो बना चुका हूँ कि इसको हल करने के लिए किस फॉर्मूला की हमको जरूरत पड़ती है, तो उसका वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो जाके जरूर देख ले, वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। ठीक है, और एक्सरसाइज 8.1 को भी काफी आसान तरीके से हम लोग हल कर चुके हैं, वो भी नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखें, वीडियो का लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। तो ये फ्रेंड, देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को किस तरह हल करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन को। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले यार, ताकि इसी तरह का जो वीडियो अपलोड करते उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो ये फ्रेंड, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन को किस तरह हल किया जाता है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड, हम लोग 8.2 का पहला नंबर क्वेश्चन ले लिए हैं, जिसमें कहता है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। मतलब इसमें निम्नलिखित मतलब कि इसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट में जो है 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लिए, इसका मान कहता है ज्ञात करने के लिए। तो भाई सिंपल है ना, कल जो वीडियो बताए बनाए थे उसी से रिलेटेड है। खाली क्या करना है, जितना जितना डिग्री का मान है, डिग्री का मान पुट करके वहाँ पे हल कर लेना है कि नहीं। तो देखिए, पहले हम कल बताया कि साइंस 60 डिग्री का मान क्या होता है। ठीक है, तो साइंस यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं हल। ठीक है, हल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, हल लिखने के बाद अगर आप प्रोसेस में बनाना चाहते हैं तो इस तरह बना सकते हैं। हल लिखे, उसके बाद लिखिए दिया गया। हमारा एक जो क्वेश्चन है वो हम आपको प्रोसेस में बता देते हैं कि आप एग्जाम में किस तरह लिखिएगा तो आपको अच्छा खासा नंबर दे सकता है। ठीक है, तो पहले लिखिएगा हल। हल लिखने के बाद लिखिए दिया गया है। ठीक है भाई, क्या क्या दिया हुआ? तो ये जो जितना दिया हुआ ना, सबको यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, तो हमको दिया गया यही है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री और प्लस यहाँ पे लिखिएगा साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या यहाँ पे दिया गया हो गया, तो इसका लेके क्या क्या जानते हैं? हम जानते हैं साइन 60 डिग्री का मान, 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री का मान भी जानते हैं। तो यहाँ लिखिए, यहाँ हम जानते हैं, क्या लिखिए भाई, यहाँ लिखिए हम जानते हैं। इस तरह अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो एक नंबर नहीं काटेगा, इस तरह पूरा लिखते। तो लिखिए हम जानते हैं। ठीक है, हम जानते हैं क्या भाई, साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वो कितना होता है बोले, साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, √3/2 कितना होता है, 2। ये जानते हो। सेकंड क्या जानते हैं, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, cos 30 डिग्री का मान कितना बोल रहे, cos 30 डिग्री का सेम टू सेम मतलब इसी यही ना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, यही होता है। ठीक है, इसी तरीके से साइन का कितना होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो cos 60 डिग्री कितना होता है बोले, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, इसका भी 1/2। तो cos मान जस्ट हम पहले वाले वीडियो में बता चुके, जस्ट इसका उल्टा उल्टा होता है। ठीक है, तो हम पहले वाले वीडियो बना चुके हैं, अगर आप अभी तक नहीं देखे तो देख लीजिए, उसका कन्फ्यूजन दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं, यहाँ लिखिए आप जानते हैं, यहाँ लिखिए अब। इस तरह हल कीजिएगा तो आपको एक नंबर, बच्चा क्या करता है कि सीधा आता है फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल देता है, तो मास्टर आता है टिक लगा देता है, कभी कभी क्या होता है एक नंबर मिलता है। अगर इस प्रोसेस बना देते एक नंबर नहीं काटेगा एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या, अब क्या मतलब क्या, यहाँ पे जो चीज है उसको लिखिए अब। यहाँ पे लिखिए साइन 60 डिग्री, ठीक है, और cos 30 डिग्री जो मेरा मान है वही हम लिखेंगे। ठीक है, cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री, कोई दिक्कत। साइन 60 डिग्री का मान कितना बोल रहे, √3/2 और गुना cos 30 का √3/2 है कि ना। इसका मान किस तरह आया है पहले वीडियो में बना चुके हैं, अभी तक नहीं देखे तो वो वीडियो जाके जरूर देखें। ठीक है, अब प्लस साइन 30 का कितना बोले 1/2 और गुना cos 60 का कितना बोले 1/2। अब क्या कीजिए, बच्चा की तरह गुना, जोर गुना, तो घटा इसको गुना कर दीजिए, ऊपर वाले ऊपर जाते, √3 को √3 से गुना कीजिए, कितना आएगा 3/2 को 2 से गुना कीजिए, कितना आएगा 4। अब प्लस ऊपर से 1 से 1 से गुना कीजिए, तो 1 और 2 को 2 से गुना कीजिए 4, और 4 एलसीएम लीजिए कितना बोले 4 आ जाएगा, 4 एलसीएम में 4 आएगा, और 3 को 1, 4 एकम 4, तो मतलब कि यहाँ पे 4 एकम 4, तो 3 एकम 3, 4 एकम 4, तो प्लस 1 एकम 1, बट्टा में जोड़ जानते हो इस तरह, इसको जोड़ देना तो 4/4 है ना, जुड़ी 3 एक 4, 4/4 काट करके 1। तो इसका मतलब ये होगा कि पहला का जो आंसर मेरा आएगा कितना आएगा 1 आएगा। तो इसी तरीके से अगर प्रोसेस में आप हल करना चाहते हैं तो प्रोसेस में हल कर सकते हैं, मतलब इसी तरीके से बनाइएगा तो एक नंबर में एग्जाम में नहीं काटेगा। ठीक है, तो ये पहला का सोल्यूशन था, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन में। अभी तक इसको नहीं उतारे तो पॉज वीडियो को पॉज कीजिए, इसको उतार लीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका नाम है दूसरा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, पहला क्वेश्चन को देख लिए, अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कैसा इसको हल करना है। तो पहले हमको दे दिया 2 sin² 45 डिग्री + cos² 30 डिग्री - sin² 60 डिग्री।
तो अगर आपको सेम प्रोसेस में बनाना है तो उसी तरीके से प्रोसेस बनाएंगे, हम आपको सिर्फ मान पुट करके हल कर देते, ठीक है, किस तरह हल करते, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ पे लिख लेते हल, यहाँ पे हल लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमको दिया उसको मतलब हल करना, सिंपल फॉर्मूला पुट करना है वहाँ पे, जो जितना मान हाँ मान पुट करके उसको बस हल कर लेना। तो याद रखिए ये पहले दो है, तो दो का जीरो कहते हो, और यहाँ पे टेन स्क्वायर है ना, तो टेन स्क्वायर का गुना करना है, टेन पैंतालीस का मान कितना होता है बोले, टेन पैंतालीस का मान होता है वन, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर टेन पे स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, जितना मान लिखेंगे उसका होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि टेन पे स्क्वायर है, ठीक है। आइए गुना दो में था पहले से, तो गुना कर दिए, ठीक। अब प्लस कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर का, अब तीस डिग्री का मान कितना होता है रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू, आइए स्क्वायर है तो इस पर होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, होल स्क्वायर रहेगा तो होल स्क्वायर चलेगा, क्यों रहेगा क्यों चलेगा, फोर रहेगा तो फोर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब माइनस साइन, साइन पता है साठ का मान कितना होता है बोले, तो इसका साइन साठ का जो मान होता है रूट थ्री डिवाइडेड बाई कितना होता है बोले टू, इसका भी क्या करना है होल स्क्वायर कर देना, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर देना, ठीक है। अब वन का स्क्वायर कितना बोले वन, तो वन का स्क्वायर वन, तो दो, यहाँ पे क्या लिखिएगा वन स्क्वायर वन, तो दो गुने वन, अब प्लस थ्री का स्क्वायर कितना रूट थ्री का स्क्वायर कितना होगा बोले, रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा थ्री, अब फोर टू का स्क्वायर कितना होगा फोर, है कि नहीं। अब माइनस इसका भी थ्री डिवाइडेड बाय कितना आएगा फोर, अब क्या होगा ये दो जो है ये दो इससे आ जाएगा प्लस थ्री डिवाइडेड बाय फोर, अब माइनस थ्री डिवाइडेड बाय फोर, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा वन, तो है कि नहीं। अब क्या करेंगे बट्टा जो भाग कर लेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, देखिए इसको एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा फोर आ जाएगा, तो एक को फोर से गुना चार दुना, तो चार दुना आठ, अब प्लस चार एकम चार, तो थ्री कम थ्री, अब माइनस फोर एकम फोर, तो थ्री एकम थ्री, इस तरह इसको इसको जोड़ दे, इसको घटा दीजिएगा, तो यहाँ पे इसको इसको जोड़े तो कितना आएगा आठ तीन ग्यारह, अब माइनस थ्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय फोर घटा दीजिए आठ डिवाइडेड बाय फोर काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा आंसर दो। इस तरीके से हमको इसको हल करना, ठीक है। ये दूसरा नंबर का हल हुआ, अगर आप चाहते हैं तो उतार लीजिए, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट तीसरा में, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को किस तरह हल करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए काफी आसान है, कोई भारी बात नहीं, हम पहले बता चुके फॉर्मूला के हिसाब से आपको पुट करना, बस कैलकुलेशन करना ज्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना भाई, हल लिखना है आपको, लिखना तो लिखिए, नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीके से हल लिखिए, ठीक है। इधर उधर की आवाज आती है तो फोकस ना करें, बोर्ड पे ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस पैंतालीस है भाई, कॉस पैंतालीस का मान कितना होता है, तो कॉस पैंतालीस कितना मान होता है वन वटा रूट थ्री रूट टू होता है ना, तो यहाँ पे वन वटा रूट टू बैठाएंगे, ये देखिए वन वटा रूट टू डिवाइडेड बाय, ये मेरा मैन बट्टा हुआ है ना, ये तो वन वटा रूट टू हुआ, ये इसका मान हुआ कॉस पैंतालीस का। हम पहले बता दीजिए जैसे हमने आराम से जैसे बनाया पूरा सोल्यूशन तरीके से हम जानते हैं ये सब, आप इस तरह इसको बना सकते हैं, पर टाइमिंग के हिसाब से हम क्या करते हैं शॉर्टकट में मार देते हैं, आपको आंसर चाहिए ना, और उसके बाद आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सेक का मान कितना होगा, सेक तीस डिग्री का मान कितना बोले, तो मैं पहले बता सेक किसका उल्टा है कॉस का, तो कॉस तीस डिग्री का मान कितना रूट थ्री बटा टू होता है, इसका सेक का क्या होगा टू डिवाइडेड बाय रूट थ्री होगा, तो यहाँ पर आएगा टू, यहाँ पर आएगा टू डिवाइडेड बाय रूट थ्री, है ना। अब प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पर प्लस देने के बाद यहाँ पे देखिए था कॉस का तीस डिग्री का मान क्या होता है, कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक का, तो कॉसेक होता है किसका उल्टा, साइन का उल्टा होता है, तो साइन तीस डिग्री का मान कितना होता है बेटा वन बट्टा टू, इसका मतलब कॉसेक का कितना होगा टू हो जाएगा, ना तो यहाँ पे टू आपका करना है, इसको इसको सोल्यूशन करना होगा, दिखाई पड़ा दो ना, दिखा तो पड़ता ही होगा, ये होगा टू आप क्या कहिए एलसीएम लीजिए, इसको पहले ऊपर के जीव खाते हो रखिए, इसको कुछ छेड़ जाने करें तो वन बट्टा रूट टू जे खाते हो, ठीक है, वन बट्टा रूट टू जे खाते हो, आप हमको क्या करना है इस पर एलसीएम लेना, तो भाई इसका इससे गुना करेंगे ना, तो दो प्लस, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो वन है कि ना, तो एलसीएम लेंगे तो रूट थ्री एलसीएम आ जाएगा, देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे इसका कितना बोल रहे रूट थ्री, मेरा एलसीएम आ गया रूट थ्री, अब थ्री रूट थ्री एकम रूट थ्री था टू एकम टू, उसके बाद प्लस, प्लस देने के बाद यहाँ देखिए वन को रूट थ्री से गुना कीजिए कितना होगा रूट थ्री, तो रूट थ्री ऊपर से गुना हो जाएगा, आता है ना बट्टा बगैर जोड़, तो टू या टू तक जो कहते हैं और रूट थ्री, तो टू से गुना करते हैं रूट थ्री को, ये आ गया आपका, इसको पल्टी मारना, तो नीचे वाले को जो कहते रहने देना, नीचे वाले सॉरी ऊपर वाले का जो कहते रहने देना, नीचे वाले को पल्टी मारना, तो भाई पल्टी मारोगे तो क्या होगा भाई, देखो तो ये तब देखिए ये वन अट्टा टू वन अट्टा रूट टू जो कहते हो, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है, इसको पल्टी मारिए, तो पल्टी रूट थ्री ऊपर गया, देखिए ये गया रूट थ्री ऊपर डिवाइडेड बाय, अब ये नीचे था तो नीचे बदले सर टू प्लस टू रूट थ्री, कोई दिक्कत, आप गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो भाई तो रूट थ्री को वन से गुना कीजिए कितना आएगा बोले रूट थ्री और डिवाइडेड बाय टू को रूट टू से गुना कीजिए, सॉरी रूट टू को टू से गुना कीजिए कितना आएगा बोले टू रूट टू, क्योंकि ये इसमें है ना इन टू में है ना, तो ये रूट टू जो होगा वो सब में गुना होगा, मतलब इसमें भी और इसमें भी, तो इससे तो इसमें तो गुना कर चुके हैं प्लस प्लस आगे रूट टू किसमें गुना करेगा टू रूट थ्री में गुना होगा, तो भाई अब ये रूट वाला रूट से गुना होगा, तो टू तो जे का क्यों रहेगा टू जे का क्यों रूट टू गुना हुआ थ्री से कितना रूट सिक्स आएगा ना, रूट टू गुना करेंगे रूट थ्री से कितना रूट सिक्स आ जाएगा। अब बात बन दी है, अब करना यहाँ पे कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पे परिमाकरण करना, क्या कहते हैं नीचे वाले रूट को गैप करना, नीचे वाला रूट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो परिमाकरण करना तो करेंगे क्या कि जितना नीचे ना ऊपर ऊपर नीचे उतना से गुना कर देंगे, कैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए
कैसे करते हैं, नीचे कितना है, टू रूट है ना, टू रूट टू प्लस टू रूट सिक्स है, तो ऊपर से हम गुणा करेंगे अपने मर्जी से, अपने मर्जी से टू रूट टू, अब प्लस प्लस है ना, तो प्लस नहीं देंगे हम, यहाँ पे माइनस देंगे, जस्ट अपोजिट, ठीक है, प्लस रहेगा तो माइनस देंगे, अब माइनस रहेगा तो प्लस देंगे, इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है, अब माइनस देंगे, फिर यहाँ पे टू रूट सिक्स डिवाइडेड बाय, जितना सेम ऊपर लिखे सेम नीचे भी लिख दीजिए, ठीक है, इतना लिख दिया, अब ये बताइए भाई ये लिया का है, हम आप बोलिए ये लिया का, भाई ये मैथ है, क्या ये मैथ है, मैथ अपना बाप का ना होता फिर किस हम लोग का क्या होगा, तो ये अपने मर्जी से यहाँ पे आ गए, क्या इसको मतलब इसको डिफ्यूज करने के लिए, इसको नष्ट करने के लिए, रूट को नष्ट करने के लिए क्या किया, ये अपने से क्या किया, इसको अपोजिट से क्या किया भाई, बोला ये नहीं, इस सब क्या होगा, ये तो बोला कि नहीं हम नहीं हो पाएंगे, मेरे को डिफ्यूज कर ही नहीं सकता रूट थ्री, तो ई सला मैथ क्या किया, इसको क्या किया, इसके अपोजिट आके खड़ा हो गया, बोलेगा भाई हम तो फालतू में आ गए, है ना, तू चाहे तो मेरे काट के वन भी लिख सकता है, हम चाहे तो तुमको उड़ा भी सकते हैं, इसीलिए क्या हुआ, ये पॉजिटिव था सेम टू सेम, खाली माइनस करके लिया है, अब ये इससे गुना करिए, ऊपर लगे ऊपर से गुना कीजिए, तो भाई रूट थ्री है, देखिए रूट थ्री है, यहाँ ध्यान देते रहिए, बहुत यहाँ पे पॉइंट, यहीं पे पॉइंट बचा, यहाँ पे हम फंस जाता, ठीक है, आई इन टू कितना बोल रहे हैं, रूट टू, टू रूट टू माइनस टू रूट सिक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय, अब देखिए ए प्लस बी माइनस बी है, सेम टू सेम है कि नहीं, देखिए यहाँ पे रूट टू, टू रूट टू, टू रूट टू प्लस है, यहाँ खाली माइनस है, रूट टू रूट सिक्स है, टू रूट सिक्स सेम, खाली क्या अंतर क्या है, प्लस माइनस का ना, तो वो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है, ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी, इसका यही फॉर्मूला होता है, समझे, इसका मतलब ये देखो तो बोले ये भी प्लस में ये भी माइनस में सेम टू सेम है ना, देखिए ए भी सेम है ये भी सेम है, तो ए सेम है, अब बी बी ए बी मान बी मान रहे हैं, ठीक है, ए बी नहीं, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है सेम सेम है ना, खाली अंतर क्या है प्लस और माइनस का, तो भाई यहाँ प्लस माइनस का अंतर, इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका मतलब हम इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका मतलब टू रूट टू का स्क्वायर लिख सकते हैं, अब माइनस ताकि माइनस है ना फॉर्मूला में माइनस, अब बी का स्क्वायर मतलब टू रूट सिक्स का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं, देखिए आप क्या करेंगे यहाँ पे, इसको क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर में क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ये स्क्वायर तो स्क्वायर चला देंगे, देखिए आप क्या करेंगे, देखिए अरे मेरा मार्कर खत्म हो गया दोस्त, मार्कर चेंज कर लेते, ठीक है, देखिए मार्कर हम चेंज कर लिए, थोड़ा मार्कर खत्म हो गया था, आ देखिए यहाँ पे रूट थ्री को गुना कीजिए अंदर में, तो रूट थ्री से टू का जो करते है कि ना, यहाँ पे रूट थ्री रूट अंदर में टू रूट गुना हो गया कितना गया रूट सिक्स आया कि नहीं, अब माइनस अब ये दो का जीव करते हो और रूट वाले रूट से गुना हो गया था छः तरीके अठारह, तो रूट कितना है इसमें, रूट अठारह आ जाएगा कि नहीं आएगा, बोले बताओ तो अठारह आ जाएगा, अब ये देखिए दो का स्क्वायर कितना बोले चार गुना रूट टू का स्क्वायर कितना टू, मतलब दो का स्क्वायर चार और रूट टू का स्क्वायर कितना हुआ टू, माइनस दो का स्क्वायर चार गुना रूट टू कितना सिक्स है ना, रूट हटा देगा स्क्वायर का रूट हटा देता है कि नहीं, तो यहाँ पे आएगा रूट सिक्स क्या करेगा, रूट सिक्स है ना, तो ई स्क्वायर क्या रूट को हटा देगा, तो बचा मेरा सिक्स, चलो ये ठीक है, इतना तक हम लोग आ चुके हैं, आप क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसको निकालेंगे रूट से, इसको पहले जीरो करते हो ना, तो रूट सिक्स टू रूट सिक्स इसको जीरो करते हो, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना, माइनस यहाँ पे टू जीरो करते हो, ठीक है, अब इसको क्या करिए अठारह को निकालिए कितना आएगा, अठारह का एलसीएम लीजिए, अठारह का एलसीएम लीजिएगा, तो अठारह का एलसीएम लेते हैं, दो से लगाएगा कितना आएगा नौ, तीन से लगाएगा कितना आगे बोले तीन, तो थ्री थ्री, तो यहाँ देखिए रूट से निकालिए, इसको कैसे निकालेगा टू गुने थ्री, तो ये थ्री थ्री दो को मिलकर ये वो थ्री बाहर निकाल, नीचे अंदर कोई फंस गया, अंदर कोई फंस गया दो, इसका मतलब मेरा यहाँ पे निकलेगा कितना थ्री निकलेगा, तो दो पहले से थ्री निकला बाहर, मतलब दो गुने थ्री और रूट अंडर कितना बचा बोलो अंदर कौन फंस गया दो, ये दो बचिए अंदर, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे डिवाइडेड बाय इसको गुना कीजिए चार गुना आठ और माइनस छः थ्री कितना छः चौके चौबीस आएगा कि नहीं, चौबीस आएगा, दिखा पड़ रहा है ना बोले दिखा पड़ रहा होगा, अब देखिए आप क्या करें यहाँ पे, अब इसको अंदर किसी को इससे गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो हमें कितना टू रूट सिक्स, टू रूट सिक्स कोई दिक्कत, टू रूट सिक्स अब माइनस यहाँ पे गुना करेंगे छः दुना या तीन दुना छः, तो छः और रूट कितना आएगा बोले यहाँ पे टू सिक्स रूट है ना आएगा ना, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय अब इसको घटा दीजिए तो माइनस कितना बोले माइनस सोलह यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ये माइनस सोलह आ जाएगा, अब यहाँ पे हुआ देखिए क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे दो कमल ले सकते इसमें, देखिए ना दो कमल ले लीजिए इसमें से, तो दो कमल लीजिएगा यहाँ पे, तो देखिए क्या होगा इसमें दो कमल खींच लिया, तो यहाँ पे रूट सिक्स जो का क्यों बच गया बचा कि नहीं, रूट सिक्स अब माइनस इसमें तो दो खिंचा गया, तो भाई दो खिंचा गया कितना बचा यहाँ पर थ्री रूट टू बचा कि नहीं, और नीचे कितना बोर्ड है सोलह, अब क्या करेंगे इसको इसको इसे घटा घटका देंगे, तो भाई घटका देंगे यहाँ कितना बचा बोर्ड है रूट सिक्स माइनस थ्री रूट टू डिवाइडेड बाय माइनस आठ, अब माइनस को हमको हटाना है,
तो माइनस को जब हटाइएगा ना, तो अभी माइनस को हटाइएगा तो इधर का चेंज हो जाएगा, देखिएगा क्या है, रूट टू थ्री रूट टू, आइए क्या होगा माइनस सिक्स, बस खाली चेंज कर देना कुछ ना, आइए प्लस में आठ आ जाएगा, तो आपका आंसर यहीं पे निकल जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ काफी लंबा टाइम हो जाता है इसको हल करने में ना, टाइमिंग ज्यादा ले रहा है, इसलिए क्या करते हैं आज हम इसको थ्री तक हल करते हैं, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन बच गए, हम लोग दो क्वेश्चन अगले वीडियो में देख लेंगे, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक मेरे चैनल पर नए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे यार, ताकि इसी तरह की वीडियो हल करें, इसका जो एक्सरसाइज को सोल्यूशन करें, तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।